पे भी घंटा है शोर, बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड से पूछा, बंटाई रिकॉर्ड कैसे तोड़े इनका, डिस्गस्टिंग पीपल। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अब क्या मैं नाचू? हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो कर्मा के नए ट्रैक पे होने वाली है, जिसका नाम है गूगल पे। और आई थिंक ये डिस ट्रैक है बंटाई के लिए, मुझे नहीं पता, मैंने ये ट्रैक नहीं सुना है। मुझे कमेंट में काफ़ी लोग बता रहे थे कि आप इन पे रिएक्ट करो, और इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स दिए गए हैं। सो आई डोंट नो, मैंने ये ट्रैक नहीं सुना, मैं अब इसको सुनूंगी। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि समझ सकते हो आप, और मुझे जिस तरीके से बताया गया है उससे तो और ज़्यादा। और आई थिंक इसमें किंग को भी शाउट आउट दिया गया है, क्योंकि अभी किसी ने मुझे बताया था और मैंने किंग के भी स्टोरी पे देखा था, तो किसी ने मेंशन किया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि कर्मा के रिसेंटली किसी ट्रैक में शाउट आउट दिया गया है किंग को। तो लेट्स सी ये ट्रैक कैसा होने वाला है और मुझे कैसा लगने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो और मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना अगर मन करे तो। अभी इस वीडियो को शुरू कर। ओके सो स्टार्ट, कलमकार प्रेजेंट्स। बोले MVP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट, वो चाहते गिर जाए हम लाइक दे डिड, पर ना नशेडी नशेडी में आई एम अ फक देम अप लाइक टेक इट बैक 2018। पहला ड्रॉप डाला लेबल पे, रातों रात था मैं फेमस, थे घंटे में टेक दिस, लिख के दिए शॉट्स टू योर फेवरेट, पर कोई नहीं बोला कब दे न्यू दिस विल फक योर करियर, केवल कस नहीं जीत सकते मुझसे, रख रहा पैसा ऑन द टेबल, लगा लो बैट हूं अवेलेबल फॉर बीफ एंड दिस एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड ट्रैक, मार्केट में डिसेंट ट्रैक, पर चाहिए बस कलेशी, जो मैं कर रहा वो सब बेस्ट। और लिखना कॉम्प्लेक्स, अब मैं फन जैसे डूडल पे कर रहा, अब मैं गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर रहा। तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट बन रहा, तू है हेटर हमसे सड़ा बिच, वो कॉल करके पूछे तुम ना आ जाए ना आए कल, आई सेड तू आके देख ले हो रखा वायरल। अच्छू मैंने खोला ग्राम लॉन्डो की स्टोरी सी एक कसूर, एंड आई एम हैविंग नाचोस, सब पूछे क्या मैं नाचू, या इनसे पूछे कैसा चल रहा है करियर, भाई तू सीन नहीं चला रहा, तू सवारी है भाई, तुझको लगता है तू है कोल्ड, हम पहाड़ी है भाई, चौड़ सारी है भाई, तू अलाड़ी है भाई, मांग के लाए जो बाप से जाके गाड़ी लौटाए, यू वांट सम व्यूज बी क्रिंज, ये बड़ी है टाइम बड़ी है ऑडियंस, आसानी से यू विल डू फाइन, अब कोई भी है उठ के रैप, और आई एम सो सिक ऑफ दीस गाइस एंड आई एम सो सिक ऑफ दिस गाइस, इन सब ने देखी अपनी सक्सेस इनकी जली, लेबल पे दोनों एल्बम चली इनकी जली, जब देखा पैसा अपने थैले में तब जली इनकी, जब देखा कृष्णा एले में है इनकी जली तब बंटा ने कॉल मिला के बंटा रिकॉर्ड्स में पूछा, बंटा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका, चिल्ला के नहीं बनता है रिकॉर्ड, ये करते जनता से फ्रॉड, हलक में घंटा है शोर, इनसे हिलता नहीं तिनका, ये खुद को गैंग्स है बता रहे पर है ग्रुपीज, गुची और पेटेंट करना चाह रहे क्लेम है फुलिश, आई हेट टू डू दिस बट यू बी टू मच ऑन डूबीज, कर दी तू कर रिकॉर्ड आई ब्रेक देम स्टिल, ये के ए आर एम से टिप दे जा रहे फ्लोट ना स्ट्रांग रेंज के बाहर है, बेसलेस गाने बने विस्तृत सारे टेक दे जा रहे, और टेक से खा रहे जब डेट पे चल रहे, और ग्रेट पे चल रहे तो देख पे जा रहे, हम डेट पे जा रहे, ये फेम के मारे सब ब्लेम है सारे, हम खेलते जा रहे तू गेम के बाहर है, ये करते ट्राई करने की वो राइम स्कीम जो कल नाइट ड्रीम में मैंने राइट की, यू गाइस स्पीक गाइस बीच के छोड़ू क्राइम सीन, टाइम फ्रेम है कम तो आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम ऑन अ नाइस बीट, रिमाइंड मी टू किल देम नाइसली, मैं साइक नहीं बट दिस माइट बी द क्रेजीस्ट थिंग दैट आई विल से, सो जल्दी से दे दो माइक प्लीज।
प्लीज, ये मेरा जोन है एडवाइजरी के, हाई स्पीड से वापस ड्राइव प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक फ्लाइट पी, तू कल ले रहा मैं कल ले हूं, आई एम नॉट इंप्रेस्ड बट आई स्ट्राइक बीच, और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन, जैसे डूडल पे कर रहा मैं गूगल पे कर रहा, जैसे गूगल पे कर रहा तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, तू है हेटर हमसे सड़ रहा। Oh God, this is a masterpiece, man. क्या भाई, क्या ट्रैक था ये? लिरिक्स, कर्मा का फ्लो, रेफरेंसेस, बार्स, वर्ड प्ले, सब कुछ God. इसको कहते हैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैक, जिसके बारे में मतलब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि यार मैं अभी ऐसा कुछ ट्रैक सुनने वाली हूँ और रिएक्शन करने वाली हूँ, वर्ड प्ले से लेके हर एक लिरिक्स, हर एक लाइन इतनी ज्यादा तोड़ और कूल, प्लस जो बेस्तियां भी हो रही है ना वो भी इतना सुपर साउंड कराना कि मैं बता नहीं सकती मुझे ट्रैक कितना ज्यादा वाइबी, प्लस जो सुनने में जो कानों को आनंद मिला है ना लिटरली। और मेरे को लगा कि इस ट्रैक में सबलिमिनली शॉर्ट्स दिए गए होंगे और मैंने एक पल के लिए ऐसा सोचा, बट नहीं, वन टाई रिकॉर्ड्स है, ले कहलक पे भी घंटा है शोर। यार मतलब सीरियसली बताऊं तो ये अनएक्सपेक्टेड था और मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कुछ ऐसा खतरनाक सा ट्रैक सुनने वाली हूँ। कर्मा ने जो स्पीड पकड़ी है ना ब्रो, स्पीड के साथ, लिरिक्स के साथ, सब कुछ के साथ, इन्होंने जो वीडियो भी बनाई है ना वो भी इतनी ऑसम थी कि जो ट्रांजिशन भी हो रहा है, वो जो एक आगे आए थे और उसमें यू नो उनकी कपड़े भी कलर चेंज हो रहा था, वो कर्मा ने जो ये डिस्ट्रैक्ट निकाला है ना, ये बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रैक्ट है और इसी तरीके के ट्रैक होने चाहिए सबके जो डिस करते हैं, इसे कहते हैं प्रॉपर परफेक्ट ट्रैक। बीट, सब कुछ ऑन टॉप थी यार, मतलब इतने स्पीड में निकला है ना, मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे कई गुना बेहतर है ये, कई गुना बेहतर ट्रैक है ये। आउटस्टैंडिंग कर्मा, आउटस्टैंडिंग ब्रो। अंदर से ऐसा हो रहा है कि यार क्या सुन लिया मैंने। सो लिरिक्स की बात करी जाए तो स्टार्टिंग से एंड तक एक भी लाइन ऐसी नहीं थी कि आपको लगे कि ये कुछ अलग चला गया या ये कुछ नहीं करना था, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे स्पीड में जा रहा था ना ये ट्रैक और ऐसे स्पीड में कर्मा ने यू नो कर्मा मेरे फेवरेट हो गए हो अब आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। तो स्टार्टिंग में ही सेड कि कुछ लोग बोलते थे कि MYP थी बेसिक और कुछ लोगों को वो अमेजिंग लगी। लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि बस ये गिर जाए जैसे भी, लाइक दे डिड। आउटस्टैंडिंग था वो। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, हर एक लाइन के एंड में देखना कुछ और ही वर्ड प्ले चल रहा होता है। देन वो वर्ड प्ले जो किया कि मैं हमेशा अवेलेबल फॉर बीफ एंड दिस एंड दैट, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट साउंड कर रहा था और कूल लग रहा था यार। बहुत सारी लाइंस थी ऐसी और उसके बाद मुझे वो लाइन बहुत सही लगी कि मैंने इंस्टा खोला और कुछ लोग स्टोरी लगाते हैं, सी आई गॉट न्यू शूज एंड आई एम हैविंग नाचोस, सच बुलशिट, अब क्या मैं नाचूं? वो पता है वो मैं इसलिए ये लाइन बोल रही हूँ, ये लाइन कूल तो थी और प्लस मैंने भी रिलेट करा क्योंकि
वो एक टाइम ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने किसी की स्टोरी देखी थी और उसने ना शूज की फोटो लगा रखी थी अपनी, प्लस उसके साथ प्राइस टैग भी। प्राइस कौन शो करता है आप खुद बताओ। चलो ठीक है यार, तुम कमाने वाले हो, तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो, तुमने यू नो बहुत महंगे शूज पहली बार लिए हो या फिर बहुत बार ही लेते हो आप, लेकिन स्टोरी में ऐसा कौन लगाता है। हाँ चलो ठीक है, वो अलग बात होती है कि कोई किसी ने स्पॉन्सर किया है या आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके ना फॉलोअर्स थे ना कुछ थे और उसने ऐसा लगा रखा था, तो मुझे सीरियसली ये अंदर से फीलिंग आ रही थी, तो अब क्या मैं नाचूं ये देख के, क्या करूं मैं इसका। वो लाइन मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ लगी। और सिर्फ मैं ये स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी मैंने बहुत सी स्टोरी देखी हैं, मतलब लोग कुछ भी खरीद लेते हैं तो यू नो स्टोरी लगा देते हैं, वो क्या होता है इस सब चीज़ों से। तो सीरियसली मैं ये सवाल करना चाहूँगी उन लोगों से, बेशक आपका इंटेंशन वैसा नहीं है यू नो प्राइस दिखाने का, शूज़ लोगों को शो करने का, बस आपका मन कि आपने स्टोरी लगा दिया, चलो ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन प्लीज़ इतना सोच लेना कि जो आपकी स्टोरी देख रहे हैं ना उसके मन में ये बात ज़रूर आती है, तो अब क्या मैं नाचूं हैं। बहुत सही यार, सीरियसली दिल की बात कह दी कर्मा ने। और वो लाइन जो लिख रखी थी कि आई एम सिक ऑफ दिस गाइज एंड आई एम सिक ऑफ दिस गाइज डिसगस्टिंग पीपल, वो बहुत सही था कि आई एम सिक ऑफ दिस गाइज एंड आई एम सिक ऑफ दिस गाइज। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस तो चल ही रहे हैं, वैसे ये लाइन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। और जहाँ पे नाम लिया गया बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड से पूछा, बंटाई रिकॉर्ड कैसे तोड़े इनका, ऑसम, बहुत ऑसम। और चिल्ला के नहीं बनता रिकॉर्ड, चिल्ला के बनते हैं गाने क्या। रफ्तार ने भी बोला था और कर्मा ने भी बोल दिया अभी, और क्या चाहिए तुमको, मतलब इतना ज़्यादा मज़ेदार ट्रैक है ना ये, सीरियसली आप, मैं बता रही हूँ, ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रैक था, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैक था। और इसमें आई एम डैम श्योर ऐसी और भी लाइन्स होंगी जो अभी मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि यू नो बहुत फास्ट कर्मा जा रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ट्रैक है, और आई डोंट नो अब इसका कब रिप्लाई आएगा, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आएगा ज़रूर, मैं दोबारा से ये ट्रैक सुनने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक था यार। सो या अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी उसके लिए सॉरी, अभी तो मैं काफ़ी चीज़ें बोलना चाहती थी लेकिन अगर मैं बोलने बैठी तो ये वीडियो पता नहीं कितने लंबी हो जाए, एक घंटे की दो घंटे की हो जाए, तो कोई तो देखेगा नहीं। सो या अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।